तब तक चलेगा जब तक ये सरकार इस काले कानून को अपने पिछवाड़े में नहीं डाल देगी। आरएसएस आरएसएस की फुल फॉर्म है क्या है? क्या भाई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भाई क्या सेवा की है बता दे आरएसएस वाले, इस देश के अंदर सेवा क्या की है आरएसएस वालों ने, कहां कुर्बानियां दी है? जब देश की तमाम संपत्तियों को बेचने के बाद फायदा हुआ तो ये सारे पैसे कहां गए? पवित्र मंदिर को चोर दरवाजे बंद कर करके और अपनी अनाप शनाप सैलरियां बढ़ाने का काम बता दो किस संविधान की पंक्ति में लिखा है? तो ना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, ये भाजपा और आरएसएस के लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया, आज देश गर्त में। कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रही है। सबसे पहले जो सुधीर चौधरी डीएनए में किसानों को फंडिंग की बात कहता है, उसको उस तिहारी को जिसका मालिक भारत का लुटेरा, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाली, जो भाजपा का राज्यसभा सदस्य है, उसे विलियन माइंड्स और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जिसका मुख्यालय चाणक्यापुरी में है और अजीत डोवाल जी उसके फाउंडर मेंबर हैं, किन किन देशों से चंदा आया जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति थी, तब ये लोग कहते थे कि हर साल लाखों करोड़ रुपए का घोटाला होता है, जो राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद, मौतों का सौदागर, आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री, भस्मासुर प्रधानमंत्री, मगरमच्छों की तरह आंसू बहाने वाला प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठा है। जब नोटबंदी से फायदा हुआ, GST से फायदा हुआ, जब देश की तमाम संपत्तियों को बेचने के बाद फायदा हुआ तो ये सारे पैसे कहां गए? दूसरी बात, 35,000 करोड़ रुपए का कोविड वैक्सीन के नाम पर, कोविड के नाम पर जिस तरीके से बजट बनाया गया वो पैसे कहाँ गए? 20,00,000 करोड़ रुपए का जो लोगों को राहत देने की बात हुई वो पैसे कहाँ गए? जो लोग किसानों पर उंगली उठा रहे हैं आज उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। भाजपा और आरएसएस के लोग जिनके बाप दादा कल तक गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे, जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा ये भाजपा और आरएसएस के लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया, आज देश गर्त में। ऐसा बेटे, सबसे पहले तो दुष्यंत चौटाला ने शर्म आनी चाहिए अपने दादाजी का नाम लेते हुए, क्योंकि अपने वो तो जननायक थे भाई, हरियाणा में एक लोकप्रिय थे, जननायक जनता पार्टी, यानी कि एक दादा के नाम पे सिंपैथिक लेके और किसानों को ठग कर, और ये कह रहा भाई मैं जनता का सेवक हूँ। अरे सेवक हो तो सेवक क्या करना चाहिए? दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला को अगर शर्म हो जरा सी भी, अगर देवीलाल का पोता है तो तुरंत पार्टी से इनको अपने दसों के दसे जो जननायक के जनता पार्टी के दसे विधायक हैं उनको तुरंत ये कहना चाहिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके कि भाई पार्टी का यह डिसीजन है, क्योंकि ये पार्टी का मुखिया है, और तुरंत बीजेपी के पर एक मिनट से पहले अपने पहले हरियाणा के हितों को देखते हुए, अपने हरियाणा की जनता को हितों को देखते हुए अगर जरा सी भी शर्म है दुष्यंत चौटाला में तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये जो तीनों कृषि कानून जो ये कहते हैं 303 पार्लियामेंट मेंबर जो अपने आप को कहते हैं हम जनसेवक हैं, अरे जन सेवक को तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे को किसने कोई किस संविधान की पंक्ति में लिखा है कि संसद के पवित्र मंदिर को चोर दरवाजे बंद कर करके और अपनी अनाप शनाप सैलरियां बढ़ाने का काम बता दो किस संविधान की पंक्ति में लिखा? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो विदेशी शक्तियां फंडिंग कर रही है, जो भाजपा आरएसएस के लोग पेप्सी कोका कोला विदेशी है इन्हें भगाओ देश बचाओ, जो आरएसएस के लोग किसान के हितों की बात कर रहे थे पहले, वो लोग आज देश के लिए समस्या क्यों बनते जा रहे हैं? इनके बाप दादा पुरखों की इज्जत प्रतिष्ठा जा रही है, जो काले चोर की तरह 5 जून को ही एक काला अध्यादेश लाया था क्यों नहीं वापिस ले रही? ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक नमूना वायरस है और देश के लिए कोरोना से ज़्यादा खराब है, आप समझिए। ये लोग कहीं ना कहीं अंबानी अडानी के हाथों में खेल रहे, विदेशी शक्तियाँ इनको फंडिंग कर रही, आप देख रहे हैं आज देश में क्या हाल है। देश के किसानों को कभी कुछ भी कह देता, इन संविधान में कहीं अधिकार है क्या कि आप किसी को भी गाली दीजिए? और जो लोग प्रोटेस्ट साधारण तरीके से कर रहे हैं उन्हें देश के अंदर नहीं घुसने दीजिए? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों को आप बाई फ्लाइट भेज दीजिए। आपने देखा होगा अभी दवाई कंपनी के जो CEO थे वो भी बाहर चले गए, तो कैसे गए, आखिर क्यों गए? ये सारा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है जो देश को फिर से गुलाम बनाने की साजिश भाजपा आरएसएस के लोग। ये आंदोलन तो तब तक चलेगा जब तक ये सरकार
इस काले कानून को अपने पिछवाड़े में नहीं डाल देगी, इसको वापस लेना पड़ेगा। ये देश इनके बाप दादाओं की नहीं है। लोगों ने गलती से इनके बहकावे में जो 2012, 13, 14 में भारत की हर समस्या का समाधान जिसके पास था, आज वही देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। तो इनको कानून तो वापस लेना ही पड़ेगा, दलाली अब नहीं चलेगी, देश जाग चुका है। क्या होती है मैं बताता हूँ। ये कह रहे हैं हम लोकतंत्र पे विश्वास करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र यानी कि लोगों के द्वारा बनाया हुआ तंत्र, स्थापित किया हुआ, उसको कहते हैं लोकतंत्र। यानी कि लोगों की समस्याओं को समझना, और हम लोगों के भाई सेवक बन के रहेंगे। आज अगर शिक्षा इस देश के अंदर सबसे बड़ी बात है, शिक्षा अगर सम्मान अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत इस धरती के नागरिक के और पूरे वर्ल्ड में, इकलौता हमारे भारत में नहीं, ये तो 137 करोड़ लोगों का देश है भाई, जनसंख्या में दूसरे नंबर पर आज के दिन है विश्व भर में, और भाई भूभाग में मोदी जी तो विश्व गुरु बना रहे हैं। अरे विश्व गुरु मोदी जी बनाएंगे? विश्व गुरु तो हम सदा से ही है, सदियों सदियों से है। सरस्वती विवेकानंद जी थे, अब भाई वाशिंगटन के अंदर जुबान पे सरस्वती एक मिनट में वो कर दी थी। गुरु तेग बहादुर जी हुए, गुरु नानक देव जी हुए, अल्लाह को भाई कृष्ण जी हुए, जो ये कहते हैं अपने आप के ना, तो ये आरएसएस की फुल फॉर्म है क्या है, क्या भाई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भाई क्या सेवा की है बता दे आरएसएस वाले, इस देश के अंदर सेवा क्या की है आरएसएस वालों ने, कहाँ कुर्बानियाँ दी हैं। जैसे हमारे गुरुओं ने अभी एक कहते हैं भाई शहादत सोरत, भाई यहाँ पे शहादत और सोरत जो हुई है उसके साथ लाखों लाखों कुर्बानियाँ मेरे देश के लोगों ने, 90 साल हो गए थे देश को आज़ादी लाते लाते, सन 1857 की क्रांति को भूल गए या बीजेपी वाले भूल गए? श्रम आनी चाहिए। आज ये कह रहे हैं प्राइवेट सरकारी, प्राइवेट सरकारी, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था क्या है, प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था क्या है, सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था। प्रतिदिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक काले अंग्रेज, बिल्कि इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा। अरे मेहुल चौकसी यहाँ से रुपये लेके भाग जाता हमारे मेहनत की कमाई, अरे ये और विजय माल्या यहाँ से मेहनत की कमाई लेके भाग जाता है, नीरव मोदी यहाँ से मेहनत की कमाई लेके भाग जाता है, कोई भी होता है इनके भाई एक दूसरे के, कल को ये अंबानी और अडानी भी ऐसे ही अपना स्विच बैंकों में लेके भागेंगे। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत ज़्यादा थी, 107 रुपये प्रति बैरल डॉलर था, 67 रुपये, और आज अभी तो मोदी जी जब शपथ लिए थे उस समय 33 रुपये था, अब 60 रुपये 66 रुपये तक आ गया, तब भी इतना मोदी गब्बर टैक्स है जो आम जनता को जहां कोरोना में राहत देना था वहां डकैती डाली जा रही। वो तो शोले फिल्म की याद आ रही है कि गब्बर सिंह को कोई नहीं था फिर भी देश लूटता था, मोदी जी कहते हैं हमारा कोई नहीं है, हम प्रधान सेवक हैं, हम जो गंगा सफाई नहीं कर सकते वो उनको देश में संसद में बने रहने का नहीं है। अब हिंदू धर्म की बात कहते कहते हिंदू धर्म को गर्त में ढकेल दिया। अंतिम संस्कार 16वां संस्कार अंत्येष्टि कहलाती है, अब वो भी नहीं हो पा रहा, लोगों को नदियों में फेंक दिया जा रहा, अब ये कहीं बंगाल चुनाव का खामिया माने खींच तो नहीं निकाल रहे कि जिस उत्तर प्रदेश में, बिहार में और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, गंगा जी में लाशों को क्यों फेंका जा रहा है? कम से कम लोगों को अंतिम संस्कार भी तो नसीब होने देते। ये ऐसी सरकार है, लोगों को जागना होगा नींद से, अगर नहीं जागे तो आने वाला समय बताएगा और कितनी मुसीबतों। टोहाना टोहाना में नहीं, इस पूरी बीजेपी को 303 पार्लियामेंट मेंबरों को हम आपके माध्यम से चैलेंज करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं भाई आप बताएं, नेशनल मीडिया पर बैठ करके तरह तरह की संज्ञा देते हैं किसानों को, अरे तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्मिंदगी है, 84% और 6% का आप आंकड़ा लगाते हैं भाई, 6% हरियाणा और पंजाब और कुछ उत्तर पश्चिमी हिस्सा, यही 6% लोगों को MSP मिलती है, उनके उन 84% किसानों ने क्या गुनाह किया? क्या आप कानून में MSP क्यों नहीं कर सकते? जब MRP कानून में तब्दील हो सकती है तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप इस देश के इस देश के अंदाजा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जागने की जरूरत है। और ये टोहाना 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 नहीं, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, पूरा राजस्थान और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
बीजेपी वालों समझ जाओ, कभी धोखा मत खा लेना। जननायक जनता के सेवक कहते कहते आप क्या हो रहे हैं, राजशाही पे उतरा है क्या? यही सभ्यता है लोकतंत्र की? यही मर्यादा है लोकतंत्र की? बताएं हमें बीजेपी वाले। और चैलेंज करता हूं, क्या ये कहते हैं काला काला काला? अरे भाई, अनाज का भंडारण किसी भी प्राइवेट कंपनी को अगर देश का भंडारण करने का आप अवसर देंगे तो वो किसी भी राष्ट्र के लिए विनाशकारी होता है। मेरा नाम रमेश छिक्कारा, गांव जुआ, जिला सोनीपत, मेरे पिताजी लेफ्टिनेंट कमांडर दयानंद छिक्कारा। और भाई चैलेंज करता हूँ 303 पार्लियामेंट मेंबरों को, आ जाओ। इंग्लिश तो मुझे आती नहीं, हिंदी में मैं समझा देता हूँ, क्या हर सफ़ेद क्या है।